भांजो, तुम्हारे मामा का नाम है यदुवीर और आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं 10 सीक्रेट्स टू द टेक्स्ट गेम टू मेक योर टेक्स्ट गेम बेटर। उससे भी पहले हम ये बात करते हैं कि भाई गेम है क्या। गेम मींस लड़कियों से बात करने की कला, आर्ट। इट्स एन आर्ट, ये कला है। ओके, टेक्स्ट गेम क्या होगी कि लड़कियों से टेक्स्टिंग में, मैसेजिंग में कैसे बात की जाए। पूरी एक साइकोलॉजी बेस्ड अप्रोच है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 सीक्रेट्स। आई वांट यू गाइस कि अपना पेन और पेपर निकाल लो और ये 10 सीक्रेट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले इसे लिख लीजिए। ये 10 सीक्रेट्स बताने के बाद मैं ब्रेक डाउन करूंगा अपनी टेक्स्ट गेम्स का, जिससे कि आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि हम कैसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको टेक्निक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। प्रिंसिपल्स के बेसिस पे टेक्निक बनती है। ब्रो, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे पास टेक्निक खत्म हो जाएगी। लाइक वो कुछ पूछेगी एंड यू विल बी आउट ऑफ टेक्निक। अब मैं क्या बोलूँ तेरे को, मैं अगर लाइन्स दूँ एक दिन तू आउट ऑफ लाइन्स हो जाएगा। तो कोई यूनिवर्सल स्क्रिप्ट नहीं है कि ब्रो ये ले स्क्रिप्ट और पटा बन दिया। नहीं ब्रो, देर आर सम प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल मेल फीमेल डायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। सो बिना किसी बकचोदी के लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 सीक्रेट्स ऑफ टेक्स्ट गेम। पहला सीक्रेट है दैट देर इज नथिंग लाइक टेक्स्ट गेम, और इसी के साथ अटैच है दूसरा सीक्रेट दैट योर एक्चुअल गेम इज द टेक्स्ट गेम। पहले सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट गेम जैसा है ही नहीं कुछ। ये सीखना कि हम लड़कियों के साथ फोन पे कैसे बात करें, ऐसी कोई सीख नहीं है। परंतु अगर ऐसी कोई सीख नहीं है तो फिर हम बात करें कैसे, किस स्ट्रक्चर, किस प्रिंसिपल को फॉलो करें। यहां पे आता है कि योर एक्चुअल गेम, तुम्हारा असली ढंग लड़कियों से बात करने का, वही तुम्हारी टेक्स्ट गेम बनता है। दैट मींस अगर तुम्हें तुम्हारी टेक्स्ट गेम सुधारनी है, अगर तुम ये सुधारना चाहते हो कि हम लड़कियों के साथ फोन पे कैसे बात कर रहे हैं, मैसेज कैसे कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हें लड़कियों के साथ असलियत में अच्छा बनना पड़ेगा। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जिन्हें मैं इंप्लीमेंट करूं और अट्रैक्शन हो सकती है। अब बढ़ते हैं अपने सीक्रेट नंबर 3 की तरफ। सीक्रेट नंबर 3 कहता है कि 90% ऑफ टेक्स्ट गेम जो है, 90% आप जो मैसेजिंग करते हो उसमें 90% है groundedness, कि आप कितने centered हो। कि अगर अगली लड़की बोल रही है जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, अब आप क्या बोलोगे? अगर वो पूछ रही है why are you talking to me, अगर वो कह रही है I don't like you, क्या बोलोगे? क्या आप मनाना शुरू कर दोगे? क्या आप ये बताना शुरू कर दोगे कि अरे मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ? नहीं, यही आप groundedness खो गए। सो सबसे 90% में सबसे पहले चीज आ जाती है आपकी groundedness। दूसरी चीज आ जाती है कि offering good emotions। ज्यादातर लड़के जब भी बात करते हैं टेक्स्ट गेम के थ्रू, उनका मेन अटेंशन होता है कि यार मुझे मिल जाए, हाउ कैन आई गेट समथिंग, मुझे कैसे वो मिल जाए जो मैं इसे चाहता हूं। पर उनका 1% भी ये ध्यान नहीं होगा कि मैं इसे क्या दे सकता हूं, कि मैं इस टाइम पे इसे क्या अच्छे इमोशंस दे सकता हूं। सो 90% ऑफ टेक्स्ट गेम में दूसरी चीज आ जाती है कि आप कितने अच्छे इमोशंस दे रहे हैं। 90% में तीसरी चीज आ जाती है कि आपका पूरा फोकस मिलने पे होना चाहिए, कि हम कितनी जल्द से जल्द मिल सकते हैं। इसका मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए आप फ़ोन पे बात करने के लिए। आप जितना ज़्यादा फ़ोन पे बात करते रहेंगे, 4-4 घंटे तक लगे हुए हैं भाई, 4-4 घंटे तक लड़कियों से बात कर रहे हैं लगातार, इससे सीधा आप ये बता रहे हैं कि ब्रो मैं वेला हूँ, पर्पजलेस, मेरे पास पर्पज नहीं है और मैं इतनी ईजिली एक्सेसिबल हूँ, तुम जब चाहो मुझे एक्सेस कर लो और मेरे पास कोई पर्पज नहीं है, मैं सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर्पजलेस, पर्पज ना होना जिंदगी में, ये लड़कियों के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। दैट मींस थर्ड सीक्रेट में ये बता दिया जाता है कि 90% ऑफ योर टेक्स्ट गेम इज ऑफरिंग गुड इमोशंस, ग्राउंडेडनेस, बींग सेंटर्ड और फिक्सिंग द डेट जल्द से जल्द। जो बात करना चाहते हो, जो इतनी बातें तुम टेक्सटिंग पे कर रहे हो भाई, वो मिलके कर लो, बचा लो बातें, ध्यान लगाओ कि कब मिल सके। तो ब्रो इतनी बातें मत करो फोन पे। बढ़ते हैं अपने चौथे सीक्रेट की तरफ। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि आई हैव टू वर्क ऑन माय बिहेवियर टू एक्चुअली गेट वुमेन इन माय लाइफ। मुझे लगता है कि नहीं भाई, हम सीख सकते हैं भाई टेक्स्ट गेम और उसकी हेल्प से हम लड़कियों के साथ रह सकते हैं, हम लड़कियां पटा सकते हैं। और कुछ लोग ये इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि उन्होंने शायद देखा होगा कि ब्रो मेरा तो दोस्त है, वो तो टेक्स्ट गेम का चौथा सीक्रेट कहता है कि अगर आपने कुछ लड़कों को देखा है
ये करते हुए कि बस वो टेक्स्ट गेम कर रहे हैं और फाइनली वो बंदी उनसे मिलने आ रही है. नाउ जस्ट थिंक अबाउट उस बंदी की सेल्फ एस्टीम के बारे में, कि उस बंदी की सेल्फ एस्टीम कहाँ है कि वो एक लड़के को जाने बगैर बस फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उसकी शक्ल देखकर या कुछ बातें कर कर उससे मिलने आ गई. तो इस लड़की की सेल्फ एस्टीम कहाँ है? वो लड़की तो खुद नीडी है, वो लड़की तो खुद स्केयरसिटी में है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक लड़का जो एक जो स्केयरसिटी में है, एक लड़की जो खुद स्केयरसिटी में है, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए. क्या बात है, क्या कंपेटेबिलिटी है. दोनों के पास लाइफ में कुछ नहीं है उखाड़ने के लिए, मिल गए साथ में. गाइज, जब हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो एक लड़की बिल्ड्स अस एज अ मैन, एक लड़का बिल्ड्स हर एज अ वुमन. ये दोनों तो बेचारे दोनों खुद ही डूबे हुए हैं. क्यों? क्योंकि ये जिस सोर्स के थ्रू मिले हैं वो सही नहीं है, और ये इस सोर्स के थ्रू इसलिए मिले हैं क्योंकि ये असल जिंदगी में लोगों से बात करने में डरते हैं. तो ये दोनों डरे हुए लोग मिल गए. तो अगर आपने ऐसा होते हुए देखा है अपने दोस्तों के साथ तो ये बहुत कुछ खूबसूरत बात नहीं है. क्योंकि भांजो आपने देखा होगा कि अगर आप कभी नाइट क्लब में गए हो या फिर आपने कभी नाइट क्लब की इमेजेस देखी हैं, लड़कियों के बड़े सोशल सर्कल्स होते हैं. अब मान लो एक लड़की का बड़ा सोशल सर्कल भी नहीं है, अगर एक लड़की को एक लड़का चाहिए भी, उसके साथ सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो एक ऐसे लड़के को मिले जिसे वो कभी भी जानती ना हो, कभी मिली ना हो. लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकती तो उसके पास दूसरा अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने सोशल सर्कल में से, अपने दोस्तों में से किसी को चुने. अगर उसके पास ये भी नहीं है तो उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो इंस्टाग्राम से किसी को चुन ले. क्योंकि इंस्टाग्राम से आप किसी की लाइफ के अंदर झांक के देख सकते हो कि वो ज़िंदगी को कैसे देख रहा है. उसकी पूरी प्रोफाइल ये बता देगी, उसके कैप्शंस ये बता देंगे. अब मान लो इस लड़की के पास ना कॉन्फिडेंस है कि वो एक ऐसे लड़के के साथ मिले जिससे जिसके साथ वो एक्चुअली में रिस्क ले और फाइनली में भी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा बने. और मैंने ये चांसेस, आपकी अरेंज मैरिजेस क्या हैं? यही तो है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द अरेंज मैरिजेस आर सक्सेसफुल. सेम वे आई एम मीटिंग अ वुमेन, मैं उसको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानती, एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल. अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ही बात करना शुरू हो जाए, नहीं. देर आर सम बिहेवियर जो तुम्हें अपने अंदर तुम्हें वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बिहेवियर, सो दैट शी कैन स्टे देयर, वो वहाँ रह सके तुमसे बात करने के लिए. नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुमेन फील थ्रेटेंड, उन्हें डर लगता है क्योंकि ये लड़का डरा हुआ है. देर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ स्टेट ट्रांसफरेंस, जो तुम फील करोगे वही वो फील करेगी, तुम डरे हुए वो भी डरी हुई होगी. बढ़ते हैं अपने पांचवें सीक्रेट की तरफ. पांचवा सीक्रेट कहता है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो. अगर तुम लाइफ में कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम खुद अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे मेरे भांजे, तुम खुद नहीं एंजॉय कर रहे. अब वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आए क्यों, इतनी बोरिंग जिंदगी में आए क्यों? दैट मीन्स भाई लड़की पे ध्यान देने की बजाय मेक योर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो ताकि उसको ऐसा लगे कि अगर मैं इसकी जिंदगी में आती हूँ, आई कैन एंजॉय, आई कैन फील बेटर, आई कैन फील गुड. सो दिस इज व्हाई यू हैव टू फोकस मोर ऑन अपनी एंजॉयमेंट के ऊपर. अगर तुम्हारी लाइफ एंजॉयबल नहीं है, अगर तुम खुद ही नहीं अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हो, शी वोंट कम. लेकिन अगर आप जिंदगी में ट्रबल सम वुमेन, वो लड़कियां जो जिंदगी में आके बखेड़ा खड़ा कर देती हैं, अगर आप वैसी लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसका मतलब आपको ये नहीं पता कि बाउंड्रीज कैसे दिखाएं. मैं ये कैसे बोलूं कि मत कर, आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन अगर तू ऐसे करेगी तो मेरे को नहीं पता कि मैं कितनी देर तक, हम कितनी देर तक साथ में रह सकते हैं. सो दिस इज वाई इफ यू आर अट्रैक्टिंग ट्रबल सम वुमेन इन योर लाइफ, दैट मीन्स तुम्हें बाउंड्री दिखाना नहीं आता है. लेकिन अगर तुम लाइफ में क्वींस अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसी लड़कियां अट्रैक्ट कर रहे हो जैसी तुम सच में चाहते हो, दैट मीन्स यू आर अ किंग. एक क्वीन को एक किंग ही अट्रैक्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. सिक्स सीक्रेट है कि डिलीट नंबर्स ऑफ 10 to 15 वुमेन या फिर 5 to 10 वुमेन एवरी मंथ फ्रॉम योर फोन. क्योंकि होता क्या है, यू गाइस गेट डिपेंडेंट, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार एक दिन मैं इससे मिलूंगा, और वो एक दिन एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, और उसकी शादी होगी, और आप एक दिन की वेट करते रहे. अब आप पाँच साल के बाद किस पे ब्लेम डालेंगे? उस लड़की पे ब्लेम डालेंगे या खुद पे ब्लेम डालेंगे कि आप खुद ही ब्रो एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं कि ब्रो एक दिन,
इसलिए अगर आप किसी लड़की से मिलना चाहते हैं, उसे एक बार पूछिए, उसने कहा कि मान लो मैं बिजी हूँ, मैं एक हफ्ते बाद बताऊंगी, तो अगले हफ्ते पूछ लीजिए। अगर उसने फिर कहा कि मैं बिजी हूँ, तो तीसरे हफ्ते पूछ लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं बता रही है तो उसका नंबर डिलीट कीजिए। क्या पॉइंट है ये सोचने का कि एक दिन तेरी बाहों में, देयर इज नो पॉइंट गाइस, वो एक दिन नहीं आएगा। सेवन सीक्रेट है कि इफ यू आर टेक्सटिंग वेमेन दैट मीन्स यू आर नॉट मीटिंग वेमेन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक लड़की के साथ अभी फोन पे बात कर रहा हूं, इसका मतलब कि मैं अभी एक लड़की के साथ नहीं हूं। ओके, दैट मीन्स जब भी मैं एक लड़की से बात कर रहा हूं, चाहे मैं उसे फेस टू फेस मिल रहा हूं, तो मेरे को ज्यादा फोकस करना है कि मैं साथ में टाइम बिता सकूं, और कम फोकस करना है कि बस मैं भाई इसका नंबर लूं और निकलूं यहां से, घर जाके फोन पे बात करें। नहीं, क्योंकि इफ यू आर टेक्सटिंग वेमेन देन यू आर नॉट मीटिंग वेमेन। और तुम एक्चुअल में लड़कियों के साथ रहना चाहते हो, उनके साथ फोन पे बातें नहीं करना चाहते हो, तो जब उनसे मिलते हो तो उनके साथ रहा करो। नंबर लेके फोन पे बात करेंगे और जब मिलेंगे तो एक दूसरे को हाय हाय भी नहीं बोलना भाई। मतलब ऐसे शर्माते हैं भाई लौंडे ये, कि भाई नंबर ले लिया, फेसबुक पे बातें कर रहे हैं ब्रो, व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, सामने मिलेंगे ब्रो, इतने शर्माते हैं फिर, व्हाट्स द पॉइंट टू इट। सो सेवन सीक्रेट इज इफ यू आर टेक्सटिंग वुमेन दैट मींस यू आर नॉट मीटिंग वुमेन, दैट यू आर नॉट विद अ वुमेन राइट नाउ। एट सीक्रेट है, डू नॉट सेक्सुअलाइज ऑन टेक्स्ट गाइस, यू कैन नॉट फक अ वुमेन ऑन फोन। इसका मतलब के ब्रो क्या ही पॉइंट है कि आप उसके न्यूड्स चाहते हो, लड़कियों के साथ सेक्सटिंग करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि लड़की के साथ सेक्सटिंग कैसे करते हैं। बिकॉज अगर किसी लड़की ने तुम्हें अपने न्यूड्स भेज भी दिए, एट द एंड ऑफ द डे तुम पॉर्न ही देखोगे। तो ब्रो इस चीज को रियलाइज करो कि ये सीखना कि सेक्सटिंग कैसे करते हैं, देयर इज नो पॉइंट टू इट। आप एक लड़की के साथ फोन सेक्स नहीं कर सकते। नाम तो आ चुका है फोन सेक्स, बट हो ही नहीं सकता। सो व्हाट्स द पॉइंट टू इट? रियलिटी में वापस आओ, अपनी ये फेरी वर्ल्ड दुनिया में मत रहो भाई। मैं कैरी मिनाटी को बहुत कॉपी कर रहा हूँ आजकल। नाइन्थ सीक्रेट है, हर नंबर इज नॉट अ रिवॉर्ड। उसका फोन नंबर एक रिवॉर्ड नहीं है। तो अगर वो मिल गया तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको डिलीट भी करना पड़े तो ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोन नंबर रिवॉर्ड नहीं होता, रिवॉर्ड होता है द एक्चुअल कनेक्शन दैट यू हैव विद द वुमन। तो फ़ोन नंबर की बजाय कनेक्शन पे ध्यान दो मित्रों। लास्ट सीक्रेट, टेंथ सीक्रेट है दैट इफ शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, देर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। बट इफ शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, देर इज़ नथिंग शी कैन डू अबाउट इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपका बिहेवियर उस टाइप का है ही नहीं जिन्हें लड़कियां अट्रैक्टिव मानती हैं, देयर इज नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते अगर वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट है लेकिन वो बोल ये रही है, अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है और उसके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं, शी इज लाइक तुम उससे इतना बात क्यों करते हो, आई डोंट नो व्हाई यू टॉकिंग टू मी। She is not like, तू बात क्यों करता है मेरे से इतना है, तब भाग यहाँ से। She is not talking like this. So, what I mean is, if she is not attracted towards you, there is nothing you can do about it. But if she is attracted towards you, भाई बंदियाँ घर छोड़ के भाग जाती हैं। अगर एक बंदी is like, अरे मेरे पास time नहीं है, अरे पापा आ गए हैं, अरे बात नहीं कर सकती, excuses. If she is actually attracted towards you, तो वो कुछ भी कर सकती है। ये है नारी शक्ति। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं आपको कि ब्रो ये सीक्रेट्स तो हो गए, चलो हम माने या ना माने पता नहीं, हो भी सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हमें कुछ प्रूफ तो दो कि हम मान कैसे लेंगे ब्रो, ये जो तूने बताया है मामाश्री ये सच है। तो भांजे चलो आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये लड़की अर्जेंटीना से बैंगलोर आई थी और मैं खुद बैंगलोर में था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बूट कैंप दे रहा था। तो जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ, मैं इसकी लाइव कोचिंग देता हूँ, तो मैं बूट कैंप दे रहा था उस टाइम पे, और इस लड़की को मैंने फोरम मॉल के बाहर बैठे देखा। एंड आई वॉज लाइक कि भाई कौन है ये, मतलब ये अकेली तो नहीं हो सकती भाई, ये फ़ोन की तरफ देख के मुस्कुराई जा रही है, अकेली तो नहीं हो सकती। मेरा बिहेवियर क्या है? मेरा बिहेवियर ऐसा है कि अगर एक खूबसूरत गुलाब का फूल है तो मैं बस उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा ब्यूटी की तरफ बिहेवियर है। दिस इज़ हाउ आई बिहेव टूवर्ड्स ब्यूटी, आई परस्यू ब्यूटी। अगर मेरे को कुछ सुंदर लग रहा है तो मैं उसकी तरफ चलूंगा। पर ये पहली बार हुआ कि इतनी सुंदर लड़की मैंने देखी, एंड आई वॉज लाइक फक ब्रो, ये अकेली हो ही नहीं सकती, इसके साथ कोई ना कोई तो होगा। सो ऐसा बहुत कम होता है कि मैंने ऐसी ब्यूटी देखी एंड आई वॉज लाइक कि 5 मिनट वेट करते हैं। तो 5 मिनट वेट करने के बाद मैंने देखा कि ब्रो कोई नहीं आया।
सो आई वेंट टू हर, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, मैंने थोड़ी बात करी उससे, और उसके बाद जैसी मैंने बात करी वो हंस उठी, मुस्कुरा उठी। तो बातें करते करते मैं वहाँ बैठ गया, साथ में बैठे हम बातें करें, फिर हम हाथ में हाथ डाल के कॉफ़ी के लिए चलना शुरू हो गए। सो यू गाइज माइट बी थिंकिंग, ब्रो ये तूने कैसे किया? ब्रो दिस इज गेम, ये सीखनी पड़ती है और मैं सिखाता भी हूँ, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पॉइंट पे वापस आते हैं, तो हम हाथों में हाथ डाल चलना शुरू कर दिए और फाइनली वी एंडेड अप गोइंग टू अ कॉफ़ी शॉप। अब कॉफ़ी शॉप में हम एक दूसरे के, मैं उसके राइट एंगल पे बैठा हूँ, कभी भी ऑपोजिट नहीं बैठना चाहिए। यू नेवर सेट ऑपोजिट टू अ वुमन, या तो राइट एंगल पे बैठो या फिर साथ में बैठो, ऑपोजिट मत बैठो। तो मैं राइट एंगल पे बैठा था, आई कॉन्टैक्ट वॉज सो गुड, इतना अच्छा आई कॉन्टैक्ट हो रहा था। तो वो मेरे को उस टाइम पे बता रही थी कि मैं सालसा करती हूँ, ये करती हूँ, ये सब अपने बारे में बता रही है, और मैं ये पूछ रहा हूँ उससे कि अभी यहाँ पे क्या कर रही थी। सो शी वॉज लाइक के मैं एक लड़के से मिली हूँ टिंडर पे, मैं उससे मिलने आई हूँ कि मैं अर्जेंटीना से बैंगलोर आई हूँ, मेरे को कितने 21 दिन हो चुके थे उस टाइम पे, मेरे को 21 दिन हो चुके हैं और मेरा कोई ऐसे कोई कुछ खास दोस्त नहीं बना है, सब कलीग्स हैं। तो फाइनली मैंने टिंडर डाउनलोड किया, मैंने सोचा किसी लड़के से मिलते हैं, तो मैं आज एक उस लड़के से मिलने आई तो मेरे को तू मिल गया। तो फिर मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत सही चीज़ है, उस लड़के को कर डिच, चल मेरे साथ रहे आज। तो फिर वो कह दिया कि अरे मैं उसे डिच नहीं कर सकती। तो ब्रो सीन ये है कि अगर एक लड़की जो कि टिंडर के थ्रू एक लड़के को मिलने आई है और वो मेरे अंदर इतना इंटू हो चुकी है, हमें आधा घंटा हो चुका है साथ में बैठे हुए और हम बाहर मिले थे, अब हम कॉफ़ी शॉप में आए, तो आधे घंटे में शी इज़ सो मच इंटू मी, और ये अभी भी बोल रही है कि मैंने उस लड़के को वर्ड दिया है, मैं उस वर्ड पे वापस नहीं मुड़ सकती। तो चाहे अगर अभी मुझे तू अच्छा भी लग रहा हो, चाहे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, पर मैंने एक वर्ड दिया है तो मैं उस वर्ड पे वापस नहीं जा सकती। इसको कहते हैं हाई सेल्फ एस्टीम वुमेन। तो भाई मैंने कहा अब तो ब्रो आई वॉन्ट दिस वुमेन। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा परसिस्ट किया, मैंने थोड़ी कोशिश की, पर उसने कहा कि नहीं मेरे को तो मिलना ही पड़ेगा। सो देन आई वॉज लाइक डिच दैट गाय, के भाई छोड़ उस लड़के को। सो बट देन इट कुडंट हैपन, तो मैं वापस उठा, उसे ड्रॉप करने गया, और फिर ड्रॉप करते टाइम मैंने उसका इंस्टाग्राम लिया, आई हग्ड हर एंड देन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। तो मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, मैंने देखा भाई लड़का कौन है जो आ रहा है, कि भाई लड़का लेट कैसे हो गया ऐसी लड़की को मिलने के लिए। तो ब्रो वो लड़का मैं देख तो नहीं पाया क्योंकि उसने कहा कि ठीक है आप चला जाए यहाँ से, वो आने वाला है। तो मैं चला गया वहाँ से, फिर उसके बाद हमारी शुरू होती है टेक्स्ट गेम। तो मेरा पहला ही टेक्स्ट इस लड़की को एक घंटे के अंदर अंदर जाता है कि हाउ वॉज योर टिंडर डेट, तुम्हारी टिंडर डेट कैसी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये टिंडर डेट से पहले ही मुझे मिल चुकी है, कि मेरे एनर्जी लेवल जो है गाइज, मेरा जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो अगर वो लड़का इसे मिले भी तो इसका दिमाग कंपेयर तो करेगा ही ना, कि ब्रो अभी मैं इससे मिली थी, अब मैं इससे मिल रही हूँ, तो इसके एनर्जी लेवल तो बहुत लो है, कंपैरिजन में वो लड़का ज़्यादा अच्छा था। तो ब्रो मैंने इसे सीधा पूछा हाउ वॉज योर टिंडर डेट, तो ये कह रही है हा 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 हाय इट वॉजंट बैड यू। तो एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा लिखा अरे तुम्हें मिलकर तो क्या मेरा दिन सुहाना, मेरी ज़िंदगी, ये सब मत किया करो। ग्राउंडेडनेस, एक ही मैसेज भेजा मैंने हाउ वॉज योर टिंडर डेट, तो वहाँ से तीन मैसेजेस आते हैं हा 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 हाय, तो ये मुस्कुराहट हा 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 हाय, इट इज़ रिएक्शन, वो इमोशनली इन्वेस्ट कर रही है इस इंटरेक्शन में, वो ऐसे नहीं बोल रही हाँ अच्छी थी WBU, नहीं, शी इज़ इन्वेस्टिंग इमोशंस इन दिस इंटरेक्शन। तो वो कह रही है इट वॉजेंट बैड, इट वॉजेंट बैड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए, तो अब आप गुलाबी हाथी के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर कोई इंसान बोलता है कि हाँ बुरा नहीं था, तो इसका मतलब बुरा था। सो शी वॉज लाइक इट वॉजन बैड यू, मैं आई हैड फिनोमिनल टाइम, वेन आर यू फ्री दिस वीक, लव्ड योर एनर्जी बाय द वे, अगेन सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई हैड फिनोमिनल टाइम, मैं उसे अच्छे इमोशंस दे रहा हूँ, जब मैं उसे ये बता रहा हूँ कि मेरा टाइम इट वॉज फिनोमिनल, शी फील्स गुड लिसनिंग टू दिस। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आई एम हैविंग फकिंग फिनोमिनल टाइम, ये सुन के आपको कैसा फील हो रहा है। सो सेम वेज उसको, इसको कहते हैं ऑफरिंग इमोशंस, ऑफरिंग वैल्यू, के मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ उससे जाते, मैंने उसे पहले दिया, फिर मैं उसे कह रहा हूँ व्हेन आर यू फ्री दिस वीक। सी 90% ऑफ टेक्स्ट गेम इज फिक्सिंग द डेट, सो व्हेन आर यू फ्री दिस वीक, एंड देन आई एम लाइक लव्ड योर एनर्जी बाय द वे, सो यू सी अगेन आई एम ऑफरिंग गुड इमोशंस। और उसके बाद शी इज लाइक थैंक यू, आई लाइक योर स्पॉन्टेनिटी, आई डोंट थिंक आई एम फ्री दिस वीक। तो ये अभी बोल रही है कि मैं फ्री नहीं हूँ इस हफ्ते, तो मैं इसको कह रहा हूँ कूल यू लुक लाइक माई कैट, अगेन आई एम ऑफरिंग गुड इमोशंस। और उसके बाद मैं इसे भेजता हूँ आई वुड लव टू टेक यू आउट फॉर एन अमेजिंग पार्टी एंड यू विल टीच मी सालसा टू। ओके, तो मैं अगेन
यू लुक लाइक माई कैट, मैंने गुड इमोशंस ऑफर करे और साथ में ही मैंने डेट के ऊपर फोकस करना शुरू किया कि क्योंकि इसने मेरे को बताया था कि ये सालसा करते हैं, लाइक यू विल टीच मी सालसा टू, एंड देन शी इज लाइक एंड यू लुक लाइक माई डॉग. तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी मेरे फन इमोशंस दे रहा हूँ मैं, ये उनको रिस्पॉन्ड कर रही है. और मेरे जो पर्पसफुल क्वेश्चंस हैं, फन क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिसमें जिसका कोई मतलब नहीं कि तुम पावर पफ गर्ल जैसी लगती हो, ये फन है, इसका कोई मतलब नहीं. पर्पसफुल क्वेश्चन क्या होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये हो गया, पर तुम कब फ्री हो, ये हो गया पर्पसफुल क्वेश्चन. तो मेरे फन क्वेश्चंस का भी आंसर कर रही है और मेरे पर्पसफुल क्वेश्चंस का भी आंसर कर रही है. And then she's like, and you look like my dog. Then she says, which day? तो मैं इसकी पहली स्टेटमेंट का आंसर करूंगा. She's like, and you look like my dog. I'm like, cute enough. Which day? तो मैं इसको कह रहा हूँ, पूल साइड पार्टी एट ताज एम जी रोड फ्राइडे नाइट. यू विल बी माई बटरफ्लाई. तो अगेन व्हेन आई से यू विल बी माई बटरफ्लाई, आई एम ऑफरिंग गुड इमोशंस. और फिर ये कह रही है, ओके लेट मी गेट बैक टू यू लेटर बिकॉज आई थिंक आई एम गोइंग आउट विद कलीग्स दैट डे. तो ये कह रही है कि मैं बाद में तेरे को बताती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कि मैं उस दिन अपने कॉलीग्स के साथ बाहर जा रही हूँ. और फिर ये कह रही है, वाई वुड आई बी योर बटरफ्लाई, कि मैं तेरी बटरफ्लाई क्यों होंगी. यू सी फ्लफ क्वेश्चंस, जस्ट ऑफरिंग गुड इमोशंस. ओके, ये लाइट हार्टेडनेस बनाए रखता है पूरी इंटरेक्शन की. और साथ साथ में हम पर्पसफुल भी लेके चल रहे हैं, तो लाइट हार्टेड भी रहती है एंड यू आर ऑल्सो एबल टू मीट विद हर. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स. मैं तुम्हें बस प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन बता रहा हूँ. तो अब ये मेरे को कह रही है, पहले कह रही थी आई एम नॉट फ्री दिस वीक, अब ये कह रही है कि आई एम गोइंग आउट विद माई कलीग्स. तो थोड़ा तो इंक्रीमेंट हुआ है, पहले तो फ्री नहीं थी, अब ये थोड़ी राजी भी हुई है, लेकिन कह रही है थोड़ी बाद में बताती हूँ. सो यहाँ पे वो प्रिंसिपल काम कर रहा है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इफ़ शी इज़ एक्चुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वो सब कुछ छोड़ के तुमसे मिलने आएगी. सो अब मैं वही तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ. एंड देन आई एम लाइक, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद मी, आई वोंट आस्क अगेन. अब ये चीज़ वो लड़का बोल ही नहीं सकता जिसमें अबंडेंस ना हो, जो ये सोचता हो कि बस भाई यही लड़की है, इसके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में. ये चीज़ वो लड़का बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसे खोने का दुख है. मुझे खोने का दुख नहीं है. अगर ये गुलाब का फूल मैं तोड़ूं ही ना, यहीं रहने दूं और इसे सूंघ के बस चला जाऊं, तो मेरे को ये दुख नहीं है कि मैं इसको अपने साथ नहीं लेके आ पाया. ओके, दिस इज़ माई बिहेवियर टूवर्ड्स ब्यूटी. पर तुम उसे तोड़ना चाहते हो और अपने साथ रखना चाहते हो. सो मैं इसको कह रहा हूँ, तो ये चीज़ कि इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद मी, तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, लेकिन एज अ मैन आई वुड स्टिल आस्क यू टू डिच योर फ्रेंड्स एंड बी माई गर्ल फॉर दिस पार्टी. अब सेम वे ये चीज़ एक सिर्फ एक मैन बोल सकता है कि एज अ मैन आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क यू कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ो एंड बी माई गर्ल फॉर दिस पार्टी. अब आगे से वो क्या कहेगी, हा 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 हा, she's offering good emotions, I want to go out with you. Achha, now she wants to go out with me. Pehle wo free nahi thi, phir kehti main soch ke batati hu, ab ye mere sath bahar jana chahti hai. You really seem a fun guy. Agar tumhari ab principle yaad karo, agar tumhari apni hi life mein fun nahi hai, why would a woman love to be in your life? To bro, mere baat karne ke dhang se us bandi ko ye pata chal gaya ki bro, ye ladka apni life bahut acche dhang se jeeta hai. I want to see how he is living his life, to main isse milungi. So she is like, you really seem a fun guy. Do you always insist girls to ditch people? क्योंकि जब मैं इसे मिला था, मैं इसको कह रहा था ditch this Tinder guy. अब मैं इसको कह रहा हूँ ditch your colleagues. So she is like, do you always insist girls to ditch people? तो guys, ये एक तौर से test भी है. ये जानना चाहती है कि मैं और भी बहुत लड़कियों से बातें कर रहा हूँ इस time पे. तो मैं इसे ये बता रहा हूँ यहाँ पे, you are not every girl. I friend zone most women. ज़्यादातर लड़कियों को मैं खुद ही friend zone कर देता हूँ, क्योंकि I don't get that you know beauty. जैसे मैंने इसे देखा एंड आई वाज लाइक फक, ये अकेली हो ही नहीं सकती, ये मेरे को देखकर नहीं आता सब लड़कियों को. तो मैं ज्यादातर लड़कियों को फ्रेंड जोन कर देता हूँ. तो मैं इसे कहता हूँ, यू आर नॉट एवरी गर्ल, आई फ्रेंड जोन मोस्ट वुमेन, योर एनर्जी इज वाइब्रेंट. एनीवेज, गिव मी योर व्हाट्सएप, विल सेंड द लोकेशन. मैंने मतलब ब्रो, मैंने ऐसी कौन सी ही टेक्निक अप्लाई कर दी कि ब्रो मेरे को इसका नंबर चाहिए, पर मैं डायरेक्टली नहीं पूछ सकता. मैंने ब्रो डायरेक्टली पूछा, एनीवेज गिव मी योर नंबर, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ कि जहाँ हम मिलेंगे. ओके, और वहाँ उसने किया अपना नंबर सेंड. तो हम मिले उस दिन और एंड थिंग्स हैपेंड. फिर वो अर्जेंटीना वापस जा रही थी, शी इज़ लाइक गोइंग बैक टू, मैंने उसको बोला कि अर्जेंटीना वापस जा रही है, शी इज़ लाइक हाँ, और साथ में रोने लग पड़ी. एंड देन आई एम लाइक, अपने मुंह से कभी वो स्माइल मत हटाना, आई लव्ड इट. लेट्स सी इफ थ्रेड्स ऑफ डेस्टिनी मेक्स अस मीट अगेन, गुड बाय. एंड देन शी इज़ लाइक, थैंक यू एंड आई लव योर क्रेजीनेस. मेरे को तेरी क्रेजीनेस तो उसने बहुत जगह देख ली. लेट्स होप सो, गुड बाय.
सो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके थ्रू आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको पहले 10 सीक्रेट्स बताए वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, फुल डे गेम इन फील्ड हाउ टू हैंडल द चेस फ्रेम, तो इस वीडियो में जिस लड़की का नंबर लिया है मैंने, इस वीडियो के नीचे एक कॉमेंट आया था। कॉमेंट में था शी नेवर कॉल्ड यू, उसने कभी तेरे को कॉल ही नहीं किया 23rd या 24th को, जैसा कि उसने कहा था। मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ एक्सपीरियंस। तो अब देखिए टेक्स्ट गेम। सबसे पहले मैसेज ही उसका आता है, हे यू वुड श्योरली नॉट रिमेम्बर मी, कि हे तुम मुझे भूल चुके होगे। एंड आई एम लाइक, अरे उसका नाम धोखेबाज, वी वर गोइंग टू मीट इन मुंबई, हम मुंबई मिलने वाले थे। शी इज लाइक, गॉश यू रिमेम्बर, तुम्हें याद है, आई फॉरगॉट, मैं तो भूल गई थी, अदरवाइज वुड हैव कॉल्ड यू, यू केम मुंबई, तुम मुंबई आ चुके हो। देन आई एम लाइक, या कमिंग देयर नेक्स्ट मंथ टू, मैं दोबारा आ रहा हूँ अगले महीने, अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ बैंगलोर से, तुम कहाँ हो? कहती मुंबई में हूँ, कमिंग टू दिल्ली इन अप्रैल, अप्रैल में दिल्ली आ रही। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि आई एम कमिंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने मुंबई आ रहा हूँ, वुड लव टू टेक यू आउट फॉर अ कॉफी। तो भाई मैंने क्या ही टेक्निक्स अप्लाई कर दी। अगर तुम देखो, अगर तुम रोक के देखो ये टेक्स्ट को देखो, तो तुम्हें ये दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वही चीज़ें, मैं डेट फिक्स कर रहा हूँ, अच्छे इमोशंस दे रहा हूँ, ये मैं बोल के अरे धोखेबाज, ये सारे बोल के मैं अच्छे इमोशंस दे रहा हूँ, डेट फिक्स कर रहा हूँ और ग्राउंडेड हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ग्राउंडेड हूँ, तो ये सब उसे दिख रहा है। सो आई एम लाइक, वुड लव टू टेक यू आउट फॉर अ कॉफी, मैं तेरे को कॉफी के लिए लेके जाना चाहूँगा। एंड देन शी इज लाइक, हाँ श्योर, लेट मी नो व्हेन यू कम, मेरे को बता जब आएगा तू, और तुम मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है। एंड देन आई एम लाइक, या नो प्रॉब्लम, सी यू सून, कूल। तो जब मैं मुंबई पहुँच गया, देन आई एम लाइक, ओए कहाँ है तू? एंड शी इज लाइक, हे मुंबई में। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, ऑसम, मैं भी मुंबई में हूँ, आज मेरे को यहाँ की रात्रि की जिंदगी दिखाओ, मेरे को नाइट लाइफ दिखाओ मुंबई की। कहती कि कहाँ पे हो तुम? मैं कह रहा हूँ मैं अंधेरी ईस्ट में हूँ। तो कह रही है, ओके यू स्टेइंग इन विच होटल? मैं कह रहा हूँ हॉस्टल में, यहाँ पे मेरा प्राइवेट रूम है। शी लाइक, ओके ओके, टिल व्हेन आर यू हियर? आई विल लीव फॉर बैंगलोर ऑन 15th, बैंगलोर को 15th को जा रहा हूँ। कहती नहीं, आज कहाँ, अ लिटल ऑक्यूपाइड विद कॉलेज वर्क, तो आज ये कॉलेज वर्क के साथ ऑक्यूपाइड थी। आई एम लाइक, इफ यू स्मोक अप देन आई या इफ यू स्मोक अप देन आई हैव हैश फ्रॉम मनाली, वी कैन कैच अप फॉर कॉफी ऑफ ग्लोरी, कैच अप एट पलेडियम इन द इवनिंग। एंड देन शी इज लाइक, वी शैल मीट टुमारो और सैटरडे, एंड आई डोंट स्मोक अप, लाइक ऑसम, सी यू टुमारो। तो अगेन हम सैटरडे को मिले। तो ब्रो इसमें मैंने क्या ही ब्रो टेक्निकें अप्लाई कर दी ब्रो, लाइक काम मंत्र मंत्र भाई नहीं, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दोज 10 सीक्रेट्स जो मैंने तुम्हें बता दिए फ्री में। एंड इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट गेम पे ना ध्यान देते हुए कि ब्रो हम टेक्स्टिंग में कैसे अच्छे बने, अगर आप एक्चुअल में इंटरेक्शन में अच्छे बनेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये देखिए, इस लड़की ने मेरे को ये मैसेज भेजा था, मैं इसे पुणे में मिला था। तो इसने इस मैसेज में मेरे को क्या लिखा, इसने लिखा, ओ यस यू मेट अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, आई डोंट नो वॉट टू कॉल द मीटिंग, बट येस इट वॉज स्पेशल, ही वॉज अमेजिंग, हाउ ही टॉक्ड अबाउट हिमसेल्फ एंड वॉट ही टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ वॉज जस्ट ब्यूटिफुल, आई डोंट थिंक सो आई विल फॉरगेट हिम, ही इज अ गुड सिंगर, अ गुड पर्सन, अ गुड कम्युनिकेटर, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही वॉज रीडिंग मी, हाउ कैन समवन रीड मी, 3 question marks, फेल्ट गुड टू हैव फन विद अ पर्सन जस्ट लाइक यू, हैविंग सिमिलैरिटीज जस्ट लाइक यू, आई होप वी विल मीट सून, एंड ही लीव्स हिज सिगरेट, रियल हैप्पीनेस बी द सेम। देन शी राइट्स, तेरे साथ बस एक दफ़ा मुलाकात हुई, उसमें हमारी खूब सारी बात हुई, पता नहीं तू कौन है, क्या है, कैसा है, पर इतने दिनों बाद दिल से खुशी बस तेरे साथ हुई। एंड दिस इज द काइंड ऑफ वैलिडेशन आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर सीकिंग दिस एक्चुअली फ्रॉम वेमेन। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो गाइज, इफ़ यू एक्चुअली अंडरस्टूड के भाई ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, देन गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर कुछ नहीं समझ आया, देन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो ऑल्सो, देन ऑल्सो राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। उन लड़कों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज।